दिल्ली के हाई कोर्ट का कहना है कि केजरीवाल चीफ मिनिस्टर रहेंगे या नहीं यह उनको तय करना है, और एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर का मामला है या मेरा मामला नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा चीफ मिनिस्टर को हटाने का काम हमारा नहीं है, यह उनको ठीक करना है वह इस्तीफा देंगे या नहीं, और दिल्ली के जो उपराज्यपाल एलजी हैं वह ठीक करेंगे कि उनको रखना है कि नहीं, यह हमारा काम नहीं है। विष्णु गुप्ता नेशनल प्रेसिडेंट हिंदू सेना ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था कि इनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए क्योंकि यह अभी अभियुक्त हैं और कस्टडी में है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा, इन्होंने कहा भाई ये मेरा काम नहीं है, वह हटेंगे नहीं हटेंगे, इस्तीफा देंगे नहीं देंगे या वो समझेंगे और दिल्ली का उपराज्यपाल समझेगा, आप एलजी के पास जाइए, आपको अगर कुछ कहना है तो एलजी को एप्लीकेशन दीजिए, एलजी का मामला है मेरा मामला नहीं है। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है और राष्ट्रपति के पास है, तो उन्हीं से आप जाकर आपकी याचिका दायर कीजिए, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, हम ना हटा सकते हैं ना बना सकते हैं, यह केजरीवाल को खुद ठीक करना है या एलजी को ठीक करना है या फिर राष्ट्रपति को। तो इसके बाद केजरीवाल के पास कितने ऑप्शन हैं, तो उनके पास दो ऑप्शन हैं, तीन ऑप्शन हैं। एक है अपनी पत्नी सुनीता जी को बना दें और सुनीता केजरीवाल सरकार चलाएंगी मुख्यमंत्री। एक है वह नाम के मुख्यमंत्री बने रहेंगे लेकिन किसी भरोसेमंद या अपनी पत्नी को उप मुख्यमंत्री बना दे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दे, जो एक्चुअल काम करेंगे वह नाम के वास्ते मुख्यमंत्री रहेंगे और बीच बीच में मीडिया में बने रहने के लिए एक दो चिट्ठी लिखेंगे कि यह देखो वह देखो, चिट्ठी लिखते रहेंगे लेकिन एक्चुअल काम डिप्टी चीफ मिनिस्टर करेंगे यानी उनकी पत्नी करेंगी या जिसे भी वह बनाएँ। तो या तो वे इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को बना सकते हैं मुख्यमंत्री, या वह बने रहेंगे नाम के लिए मुख्यमंत्री लेकिन एक्चुअल काम डिप्टी चीफ मिनिस्टर करेंगे, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके कोई भरोसेमंद जैसे आतिशी हो सकती हैं या सुनीता केजरीवाल हो सकती हैं। और तीसरा जो संभव नहीं है, लगता तो नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके ऑफिस को जेल घोषित कर दे, एलजी कहें उनका ऑफिस ही जेल है और वहाँ से वह काम करें, यानी जेल यानी उनका ऑफिस। ये लगता नहीं है क्योंकि जैसे ही वह अपने ऑफिस को जेल बनाएंगे या शीश महल को ही जेल बना देंगे, प्रॉब्लम यह है कि वह उनका फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग करना होगा, ये एक प्रॉब्लम है। फिर वह बाहर रहेंगे तो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, उनके जो गवाह हैं उन पर दबाव दे सकते हैं, तो ये बहुत सी मुश्किलें हैं। तो लगता तो नहीं कि एलजी ये काम करेंगे कि उनके शीशमहल ऑफिस को जेल घोषित कर दे, लेकिन इतना हो सकता है या तो सुनीता केजरीवाल को उप मुख्यमंत्री बना दे और वह काम करें, या नाम के वास्ते बीच बीच में बिना साइन के चिट्ठी देते रहें, और नहीं तो वह मुख्यमंत्री बने रहें लेकिन एक्चुअल काम दूसरा कोई करेगा। वह ऐसे भी तो वो साइन नहीं करते, वो कहीं भी साइन नहीं करते, तो ऐसे ही जैसे सरकार चलता है राम भरोसे चलता रहेगा। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।